ग्राहिता पे ग्राहिता पर बोल दिया, ग्राहिता पर एक बात आई उसका समुचित जवाब दिया गया माने पर। मैंने रिपोर्ट को अक्षरशा इसीलिए पढ़ दिया, इसीलिए पढ़ दिया। उसके बाद भी ये कहा कि शाम तक बताएंगे और जानकारी करके, ये भी बोला। अब इससे ज्यादा नहीं कहा। एक देखिए आपकी बात तो आ गई, अब कुछ चर्चा थोड़ी हो रही है। नहीं चर्चा नहीं, आपने हमारा नाम लिया है, जो रिपोर्ट पड़ी है मान्यवर वो हमारी रिपोर्ट पड़ी है। एक आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने ये लिख के दिया कि वो उनके प्रतिनिधि थे। मान्यवर प्रतिनिधि के लिए जैसे ही आदमी विधायक बनता है फार्म मिलता है, वो जिला अधिकारी को लिखता है कि हमारा ये प्रतिनिधि है। किसी भी व्यक्ति को ये लिख देना कि प्रतिनिधि है, ये नहीं मान्यवर, ये विशेषाधिकार श्रेणी में आता, उन्होंने अपमान किया। अगर कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं था और पुलिस अधीक्षक ने इन राइटिंग इन हाउस अगर लिख के दिया है तो इसकी जांच कराई जाए मान्यवर। मैंने किसी को कोई प्रतिनिधि नहीं बनाया। बात नोट कर ली, बात कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। नहीं पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट भेजी, जांच होनी चाहिए कि उन्होंने गलत रिपोर्ट हाउस में कैसे। वो कह रहे हैं ना मंत्री जी कि उसके संरक्षण का है। मैं देखिए शाम को नहीं आप, उन्होंने अगर ये रिपोर्ट दी है तो किन आधारों पर दी? अरे ये तो पूछेंगे, मैंने तो शाम को पूछ के बताएंगे। नहीं बनाया मनोज जी, हमारी एक जो बात आप कह रहे हो, माननीय मनोज पांडे जी नियुक्त किया है, माननीय मनोज पांडे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आप इस्तीफा मत दो, सुनिए, किसी व्यक्ति के लिए ये रिपोर्ट दे दे तो। अरे सुनिए, आप व्यवस्था भी सुनेंगे कि आप अपना भाषण देंगे, फिर मैं आगे बढ़ू? मैं कोई व्यवस्था नहीं देता। चलिए मैं आगे बढ़ता, आप सुनना नहीं चाहते तो अब मैं अगला इसको अग्राह्य करता हूँ। अब अगला वो लेते हैं, आप व्यवस्था सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ? नहीं आप व्यवस्था सुनना ही नहीं चाहते तो मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना, मैं अगला ले लेता हूँ। नहीं मैं कई बार बोल रहा हूँ कि बैठिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप नहीं मेरी व्यवस्था सुनना चाहते हैं तो फिर आप अपना हिसाब आप बोल लीजिए। आपने जो भी कहा माननीय मंत्री जी ने पूरे बात का संज्ञान लिया और इस विषय का भी संज्ञान लिया जो आपने उठाया, जो माननीय राकेश जी ने पहले बताया था। तो जब उन्होंने कहा है कि मैं शाम तक पूरी जानकारी देकर आज ही शाम को रखूंगा, अब इससे ज्यादा तो जवाब उपयुक्त हो ही नहीं सकता था। माननीय मंत्री जी शाम तक उसका जवाब दे देंगे, शाम को हाउस उठने के पहले तक, जब हाउस उठेगा उसके हिसाब से। अगले मैंने श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा।